खरगोन जिले में सफाई कर्मचारी मजदूर लामबंद होकर अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई कामगारों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस बात का पता उस समय चला जब सफाई कामगार मजदूर प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस दौरान संघ ने बताया कि शासन के नियमों को ताक में रखकर नगरपालिका प्रशासन मनमानी करते हैं, जिससे हम मजदूर मूलभूत सुविधाओं को तरस गए हैं। वहीं संघ ने इस बात का खुलासा भी किया कि तीन दिन में मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये आप लोगों ने आज हड़ताल करी नगर पालिका में, क्या मामला है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, ये पिछले कई वर्षों से अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, स्थायी है, विनियमितकरण वाले हैं, चेक पद्धति वाले हैं और ठेका प्रथा वाले सफाई कर्मचारी हैं, कई दिनों से त्रस्त हैं और इनको जो वेतन दिया जा रहा है नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है। जैसे स्थायी सफाई कर्मचारी को जो एरियल जमा है वो कई बार निवेदन आवेदन मौखिक रूप से लिखित रूप में देने के बावजूद आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। दूसरा ये है कि ना उनको किट दे जा रही है, ना झाड़ू टोकने दी जा रही है, ना उनको किसी प्रकार का जो सामान दिया जाता है जो शासन के द्वारा, जो वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो विनियमितकरण कर्मचारी हैं उनको सारी नगर पालिकाओं में शासन के द्वारा जो 154% महंगाई भत्ता है वो भी उससे भी उनको वंचित रखा गया है। कई बार आवेदन देने के बाद भी आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। तीसरी समस्या, जो चेक पद्धति वाले 112 सफाई कर्मचारी हैं वो लगभग 15 से 20 वर्ष से सफाई कार्य कर रहे हैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से। जो खरगोन में 17वें नंबर पर जो नगर पालिका खरगोन है, ये उन्हीं की मेहनत और लगन है। उन्हें भी इन सारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, जैसे कि 5,900 रुपये उनको जो वेतन दिया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है, जबकि कलेक्टर रेट दिया जाना चाहिए उनको। दूसरा, जो ठेका पद्धति वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको भी 5,900 रुपये दिया जा रहा है, जब भी वेतन की बात, वो भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। जब भी वेतन की बात को लेकर के हमारे सफाई कर्मचारी अधिकारियों से चर्चा करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल उनको बाहर कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। किसी भी मामले में सफाई कर्मचारियों का निराकरण करने के लिए तैयार नहीं है अधिकारी। आज आपने अभी लिखित में कुछ दिया क्या अधिकारियों? हमने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को एक आवेदन सौंपा है, जबरदस्त जी माननीय परियोजना अपने संचालक महोदय मंत्री और कलेक्टर महोदय और नगरपालिका अधिकारी महोदय को जो है आप ज्ञापन सौंपा है इस मामले में, और 7 दिन का जो है इनको समय दिया है कि अगर हमारी 7 दिनों में जो है मांगे स्वीकृत नहीं कही गई तो हम काम बंद हड़ताल कर दें। क्या नाम आपका? शाकिर हुसैन, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।